हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेमिस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द लेमिस थ्योरम, इफ थ्री कॉन्कोनेंट फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट, ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द बिटवीन टू फोर्सेस। इसमें हम देखेंगे तीन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, पी क्यू एंड आर, दे आर कॉन्कोनेंट क्योंकि एक ही पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं। ये लेमिस थ्योरम में ये डायग्राम हम शो करते हैं। पहले फोर्स पी देखिए, यहाँ फोर्स क्यू है सेकंड, और थर्ड वन इज फोर्स आर। तो इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं। अब पी के सामने आर फोर्स है तो एंगल विद होरिजेंटल इज थीटा वन, तो अंदर का एंगल जो हो जाएगा दैट इज 180 माइनस थीटा वन, क्योंकि टोटल एंगल आपका 180 है। ऐसे ही क्यू के सामने आर है तो क्यू के सामने थीटा टू है, तो एंगल विद होरिजेंटल इज थीटा टू, तो अंदर जो रिमेनिंग एंगल है 180 माइनस थीटा टू हो जाएगा। ऐसे ही जो रिमेनिंग फोर्सेस हैं उसमें ये थीटा थ्री के बारे में भी देखिए, अब इसका एंगल विद द हॉरिजॉन्टल थीटा थ्री, तो रिमेनिंग एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा थ्री। अकॉर्डिंग टू द साइंस लॉ, साइन लॉ पी अपॉन साइन 180 माइनस थीटा वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन 100 माइनस थीटा टू एंड आर इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा थ्री, क्योंकि हमको मालूम है 180 माइनस थीटा हो जाता है इक्वल टू थीटा वन, पी अपॉन थीटा वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन थीटा टू इज इक्वल टू आर अपॉन साइन थीटा थ्री। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द लेमिस थ्योरम। थैंक यू फ्रेंड्स।